इस तरह की बात निकली कहाँ से जो इस तरह का जो नामकरण के बारे में बात करेंगे। जरूरत पड़े आप लोग 24 आवर्स में 24 घंटा का भीतर ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए या फिर रिटर्न में दीजिए, ये नाम को चेंज करिए। मैं कहूँ अगर शेर का नाम राम और शेरनी का नाम ताज बेगम रखा गया तो अब तक क्या हो जाता, वो लोग भी आते कि नहीं, खून हमारा भी खौलता है। जो अब हम हिंदू समाज से जो हम आए हुए 24 घंटे का हम लोगों ने समय दिया। पंकज आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। जैसे कि हम लोग बंगाल सफारी में खड़े हैं और कल रात से आग के लपेटों की तरह एक बात फैल रही थी समाज में कि जो शेर और शेरनी का जोड़ा यहाँ पे लाया गया था, एक का नाम अकबर और दूसरे का नाम जगत जननी आदिशक्ति मैया सीता के नाम पर रखा गया था, इसी को लेकर के घोर विरोध और रेपुटेशन देने के मनोभाव से हिंदू सभ्य समाज यहाँ पे आए थे और सिलीगुड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जब मिले बंगाल सफारी से। आप आइए समस्त चीज़ों को जानने के लिए इस न्यूज को देखिए और देखने के बाद आप तब जान पाएंगे कि क्या है माजरा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहां एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहां जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। मैं आदित्य प्रसाद सोनी, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं सभी हिंदू समाज के लोग हैं। हम लोगों ने एक न्यूज देखा, यहाँ पे दो शेर आए हैं, एक शेर एक शेरनी, बहुत अच्छा लगा। सिलीगुड़ी के पावन धरती पे बंगाल सफारी में शेर और शेरनी आए हुए हैं। साथ में हम लोगों ने देखा कि शेर का नाम अकबर है और जो शेरनी है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो हमारी जगत जननी है, हमारी माँ भगवती है, माता पिता का नाम पे ये रखा गया है। ये कोई मिस्टेक नहीं है, एक गहरी साजिश है, कंस्पिरेंसी है। आए दिन सम पीपल टू टारगेट सनातन धर्म, लोग सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। क्यों? दे ऑल आर नो सनातन धर्म इज वेरी पीसफुल, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन देयर इज लिमिटेशन ऑफ एवरीथिंग है। क्यों नाम रखा है? वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान करना, वो चाहते हैं हिंदू धर्म को नीचा दिखाना। पूरे विश्व में 100 से ज्यादा 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। आज उनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। जो भी लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर दिया गया है, बर्दाश्त की जो सीमा थी उसको लांघ करके इन लोगों ने जानबूझकर ये नाम आतताई है, एक आक्रांता है, एक विदेशी लुटेरा है जिसने भारतवर्ष को लूटा है, जिसने भारतवर्ष के माँ और बहन की इज्जत को तार तार किया है, जिसने हमारे धन को लूटा है। आप में ये दर्शाता है कि हम लोगों का जो धर्म है उसको अपमान किया जाए, लेकिन हम लोग ये सहने वाले नहीं हैं। इसलिए आज हम लोग एक स्लोगन दे रहे हैं कि माँ सीता का अपमान और हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान। जल से जल प्रशासन आप लोगों का बात नहीं सुनते तो क्या करें? अभी दूसरा स्टेप हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं अभी हिंदू संगठन मिल करके और बोल रहे हैं डिपार्टमेंट से, आप लोग 24 आवर्स में हम लोग अभी नाम को लेकर के विवाद चल रहा है। माँ सीता जनक नंदिनी का नाम से रखा गया था। हम लोग आज बंगाल सफारी का डायरेक्टर से मिले और उनसे काफ़ी देर विचार विमर्श एवं चर्चा होने के बाद उन्होंने अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को कहा कि इस तरह का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उन लोगों की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हम लोगों को पिछले कल रात को एक पोर्टल चैनल के माध्यम से जिस पोर्टल उनके डायरेक्टर एवं उनके टीम के तरफ से ऐसा कोई नामकरण शेर एवं शेरनी का किया ही नहीं गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के तरफ से एक हम लोगों को लिखित भी दिया गया है कि इस तरह का कोई भी नामकरण उन लोगों के माध्यम से किया ही नहीं गया है। L1 एवं L2 बोल करके उन लोग इन दो शेर एवं शेरनी को संबोधन भविष्य में भी हम लोगों का धार्मिक आस्था को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का काम उन लोग नहीं करेंगे, ये हम लोगों का आश्वासन अंदर से दिया गया है। तो इस तरह की बात निकली कहाँ से जो इस तरह का जो नामकरण के बारे में? मैंने अभी कहा ना, एक सिलीगुड़ी टाइम्स एक पोर्टल चैनल है, सिलीगुड़ी टाइम्स के माध्यम से हम लोगों को देखा गया था, तो मैं ये सिलीगुड़ी टाइम्स को भी निवेदन करता हूँ एवं आग्रह करता हूँ, अगर वह हमें सुन पा रहे हैं तो उन लोग आके एक बार बंगाल सफारी के डायरेक्टर से बात करें कि इस तरह का अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है,
इस तरह का अफवाह फैलाने में हम लोगों के जो देश है, हम लोगों के शहर में बहुत सारा चीज हो सकता है, सद्भावना को आहत हो सकता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म को आहत हो सकता है। तो इस तरह का जो कुकृति किया जा रहा है यह अभिलंब बंद होना चाहिए। पारी के डायरेक्टर के तरफ से भी कहा गया है कि आप लोग भी इस विषय पे माने जो जन जागरण है सबको बताइए कि इस तरह के अफवाह जो फैली है ये सही नहीं है, इस तरह का कोई नामकरण नहीं किया गया है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर कई हजार हजार लोग एवं रास्ता पर उतर जाएंगे। उन्होंने भी हमसे ये आग्रह किया है कि आप लोग इस चीज़ को ख़त्म करिए। इसलिए उन्होंने ये लिखित हम लोगों को दिया है कि इस तरह कोई इशू नहीं है। तो हम लोग भी अपना आप लोगों के माध्यम से सब शहरवासियों को बोलना चाहेंगे सिलीगुड़ी शहरवासियों की कि ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे माता सीता के नाम पर किसी लाइन का नाम नहीं रखा गया है, अभी तक तो नहीं रखा गया है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आगामी दिन में भी इस तरह कोई नाम नहीं। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं हिंदू जागरण मंच सिलीगुड़ी महानगर संयोजक। एक बात अंत में मैं बोलना चाहूँगा, कैसे अकबर के साथ हमारी माँ सीता का नाम जोड़ दिया गया, तो आज ये निर्णय हो गया कि ये अफवाह थी। तो अभी से आप लोग से मैं निवेदन करूंगा, जो हम लोगों ने कहा था कि 24 आवर्स 24 घंटा का भीतर अगर इस केस का सोल्यूशन नहीं होगा तो आने वाले समय में हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, आने वाले समय में सिलीगुड़ी के सहरे पे एक ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे। तो अभी यह बात, यह मुद्दा यहीं पे पूर्ण विराम करता हूं मैं, और समस्त हिंदू भाइयों एवं बहनों से कहता हूं कि आप लोग जो हम लोगों को समर्थन दिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जागरूक रहिए। देखिए, कल रात का विषय था और आज सॉल्व हो गया। किसी को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, किसी को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारी देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करे। अगर कोई आंख उठाता है हमारे देवी देवताओं की तरफ तो उसका आंख रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।